राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए हम पहले पकौड़ा बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से ये हमने खटाई ले लिए हैं, थोड़े से जीरा डाल देंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमने ग्रेट किया हुआ अदरक ले लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। इन सबको मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे इसका हम। इसमें हम 1/2 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ये जो कटे हुए प्याज है, इसको हमने ऐसे ही काट लिया था, सारे डाल देंगे इसमें हम बैटर में। अब इसमें हम कुछ हरे धनिया के फ्रेश पत्ते डाल देंगे और इन सबको हाथ से हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये हमारा कढ़ी पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाने के बाद सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको रोटी चावल किसी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसका पकौड़ा तैयार कर लेते हैं पहले, फिर हम कढ़ी बनाएंगे। देखिए हमारा ये पकौड़े का बैटर बनके रेडी हो गया है। ये हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें चलिए हम पकौड़े तल लेते हैं, अपने छोटे छोटे पकौड़े तलेंगे। आंच को मीडियम ही रखेंगे और पकौड़ा 1/2 पक जाए तब इसको हम पलटेंगे। तो ये हमारा पकौड़ा 1/2 पक चुका है, अब इसको हम पलट लेंगे। पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है, देखिए लाल हो गया है पूरा क्रिस्पी। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये हमारा पकौड़ा रेडी हो चुका है, अब चलिए हम कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हम उसी बॉल में 1 कप बेसन डाल देंगे, उसी कप से हम 1 कप दही डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और पानी डालेंगे इसमें हम। अब इसको अच्छे से बेसन की सहायता से हम मिला लेंगे। पानी इसमें और पड़ेगा, पहले इसको हम इसकी गुठलियां सारी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसको इसमें हमने और पानी डाल दिया है, देखिए पतला हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, तो 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और नमक को भी डाल देंगे इसी में, स्वादानुसार नमक डाल लें। और चलिए अब हम इसको पकाते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, तेल हमारा गरम है, जो पकौड़ा हमने तला था उसी तेल में हम बना रहे हैं इसको। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, ये 1 हरी मिर्च हमने ले लिया है और 2-3 कलियां लहसुन के हमने काट लिए थे, वो भी डाल देंगे इसमें हम। और ये ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देंगे।
अब सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे हम। ये हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम ये बेसन का जो बटर है उसको हम डाल देंगे घोल, उसमें और पानी मिला के डाल देंगे इसमें। इसको हम चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे, नहीं तो हमारा कढ़ी फट सकता है, इसलिए लगातार चलाते रहें। ये देखिए कढ़ी हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, इसको आप कम आंच पे ही पकाएं अच्छे से। तो कुल हम 4 मिनट ऐसे ही कम आंच पे पकाते हैं, उसके बाद जब इसका एक खोला आ जाएगा तो उसके बाद हम ढक्कन को बंद कर देंगे। तो अभी पकने देते हैं कढ़ी को। तो कढ़ी में अब हमारा एक उबाला आ गया है, अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे कुकर में और कम आंच पे ही एक सीटी आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए कढ़ी हमारी बनके रेडी हो गई, अब इसमें हम पकौड़ा डाल देंगे। सारे हम पकौड़े डाल देंगे इसमें इसी तरह। तो ये हमने सारे पकौड़े डाल दिए हैं, अब इसमें चलिए हम फाइनल तड़का लगा लेते हैं। तो अब हम तड़के के लिए एक कलछी में तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें आधा चम्मच राई डाल देंगे। इसको तड़कने दें, अब इसमें हींग डाल देंगे आधा चम्मच, गैस को ऑफ कर देंगे। चलिए हम तड़का लगा लेते हैं। इसमें ये हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, डालने के साथ ही तुरंत ये हम तड़का लगा देंगे। तो ये रही हमारी कढ़ी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं हमारी खट्टी खट्टी कढ़ी पकौड़ा बनके रेडी हो गया है। इसको आप चावल के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आपको ये कैसी रेसिपी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।